रोका भी जरूरी नहीं है, उसको फिर बीमारी का नाम मालूम हो चिकित्सा कर देंगे, अपन हमारे तरफ से उन्होंने तो आपको रोका भी नहीं है। तो जो सागवान है ना, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि गर्भावस्था के पहले महीने में उसमें बताया मधुकम साग बीज से पहियसा सुर दारू असमंत का तिला कृष्णा ताम्रवल्ली शतावरी। तो सागवान का बीज जो है गर्भावस्था के पहले महीने में दिया जाता है। दूसरा सागवान की जड़ का कल की अस्मरी में बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा अपने साल सरादी अस्नादी गण जो दिए 26-27 दवाई यहाँ हमारी शाहबादी जंगल में लगभग 27 दवाई हैं, उसमें 27 में से 23 दवाई यहाँ पर है। प्रमुख एक भल्ला तक नहीं है, सुपारी नहीं है, एक दो दवाई और वो नहीं है, 23 दवाई जंगल में विद्यमान है। तो उसमें सागवान भी आया। तो जिसे मैंने बताया था कि यावत लोग के तावत सिर ये पिंडे तक ब्रह्मांडे। अभी वर्तमान में 90% आदमी को या 50% आदमी को विटामिन डी और B12 वाली कमी रहती है। अब टाइम चलेंगे है ना, मुझे है ना डॉक्टर के पास जाने के बाद वो जांच करता मुझे और बीच वाली कराई है ना, बीच वाली कमी आती है। तो जैसे मैंने बताया था कि यावत लोग के तावत शरीर है ये पिंडित ब्रह्मांड है ना। तो सागवान अथवा शीशम सबसे कठोर तना होता है इसका। हाँ साल सारे घर में दोनों चीज आई है। तो आपने चरक ने सुश्रुत ने अशांग संग्रहकार ने इन्होंने ज्वर प्रकरण में सिर्फ एक चीज का वर्णन दिया कि शीशम की छाल को दूध में उबाल पीने से ज्वर प्रकरण उठा के देख लेना, शीशम की छाल को दूध में उबाल पीने से जीर्ण ज्वर खत्म हो जाता है। अपन जैसे बोलते हैं लीन ज्वर, जीर्ण ज्वर को अपन जो उसमें 3 सप्ताह बीतते तो ये ज्वर उसकी 21 दिन बाद जीर्ण ज्वर संज्ञा हो जाती है। तो जो अपन बाद में लीन ज्वर संज्ञा हो जाती है, तो लीन ज्वर में जहाँ पेशेंट को अंगमर्द होता है, अस्थिगत वात होता है, अस्थि जैसे मैंने बताया कि ये तना आपका कंकाल कैल्शियम अस्थि संस्थान जो है, अस्थि के संस्थान जैसे ये है उसी तरह सागवान अथवा शीशम मजबूत लकड़ी होती है। तो इसकी अंतर छाल जो अंतर मज्जा होती है ना, अंतर मज्जा को कूट कर दूध माल पिलाओ आप, तो विटामिन डी और B12 की और कैल्शियम की फास्ट पूर्ति होती है। इसलिए मैं सब रोगियों को इस तरह के रोगी आते हैं उसका लेने का तरीका आपने बिना पैसे के दवा उपलब्ध हो जाती है। खाते की दुकान में जाएंगे जो प्लम्बर काम करता है ना, शीशम का सागवान काम करता है, एक बुरादा निकलता बुरादा लिया अंदर बच जाए आपको फ्री मिल गई है, तो आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। सागवान मिल गया, शीशम मिल गया है ना, और सागवान विजयसार मैंने यहाँ श्योपुर से मंगवाया था, वहाँ से 20 किलो श्योपुर से विजयसार मंगवा लिया। तो अपने को थोड़ी सी बहुत एब्रोड सोचनी पड़ेगी ना, तो अपन जहाँ जाएंगे वहाँ हर चीज़ नहीं मिल जाएगी। तो मैंने अभी जांच कराई थी कल, मेरे को B12 का डेफिशिएंसी होता है, सभी को मिलेगा अभी सभी सभी। उसमें B12 की कमी के लिए जो है ना, कृतस्न देचर अभियानो ध्यान वायु सर्व शरीरगत होती है और अभ्यंग वातावरण शिष्टम, सभी चिकित्सकों को अभ्यंगम आचरित नित्यम सदाचार का जो दिनचर्या का एक अंग है हर एक व्यक्ति को अभ्यंग करना चाहिए। उसमें बताएं कि जीवित सरदर्शतम पश्चेत सरदर्शतम शर्म सरदर्शतम। तो अपन आदमी 100 साल तक जिंदा के रहता परंतु कान काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती, हाथ पैर कांपते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति मालिश करता है त्वचा के द्वारा व्यान वायु के द्वारा मस्तिष्क में सूचना पहुंचेगी, मस्तिष्क मजबूत रहेगा तो माध्यम ज्ञान मजबूत रहेगी। इसलिए बताया कृतस्न देचरो व्यानो, व्यान वायु के माध्यम से अपन मस्तिष्क को ठीक करते हैं, ज्ञान इंद्रिय कंट्रोलर जो ब्रेन है 12 क्रेन निकलती है ठीक करता है। तो नित्य प्रति रोगियों को इसी रोगियों को अपने अभ्यंग प्रेस्क्राइब करना चाहिए। अब अभ्यंग के लिए कौन सी बीमारी में अपना क्षीर वाला तेल है, बला तेल है या प्रसारणी तेल है अथवा पिंड तेल वगैरह, पिंड तेल है, राशना तेल है, गुरुजी तेल है, अश्वगंधा तेल है, तो व्याधि के हिसाब से एक विषय और बता दूँ। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अपने वायु के जो 7 गुण दिए तत्रुक्ष लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अंधीर है, उसमें बताया कि आप छाया में आ जाओ, अपने बहुत कॉन्फिडेंस की बात आया हूँ, उसमें बताया कि अग्रीगण की वस्ती बताई कि राशना वातानाम सिस्टम, अभ्यंग वातानाम सिस्टम, बस्ती वातानाम सिस्टम, गुगुल वातानाम सिस्टम, नागबला बाला वातानाम सिस्टम और एरंड तेल एरंड वातानाम सिस्टम और रसोन वातानाम सिस्टम। अपने चिंतन करना कि जहाँ वायु के शीत गुण की वृद्धि हो रही है वहाँ राशना शीत प्रसन्नानाम सिस्टम, वहाँ पर राशना काम लेनी ठीक है ना। और जहाँ आवरण जन्य वायु का प्रकोप हुआ वायु धातु सेहत को मार्ग से आवरण से, तो जहाँ पर वायु का प्रकोप आवरण के कारण से है वहाँ पर गुगुल काम करेगी, और जहाँ पकवासी का त्वात है 5 वायु में जो पकवासी का त्वात है वहाँ बस्ती काम करेगी। जहाँ ज्ञान वायु की चिकित्सा तो वहाँ पर अपने तेल का चयन करना अभ्यंग काम करेगा। वहाँ पर रसोन जहाँ पकवासी का त्वात है, आप देखो कि रसोन का अष्टांग हृदय कारण कितना अच्छा वर्ण दिया, शीत पित्तज और रक्त पित्तज व्याधि को छोड़कर
समस्त आवरण जितनी व्याधियों में रसोन काम करता है, दो व्याधि को छोड़कर पित्तज और रक्त पित्तज व्याधि को छोड़कर समस्त आवरण यानी आवरण में जहाँ रसोन का काम लो रसोन का कल्प काम तत्काल फायदा मिलेगा आपको। तो जो रासना के जो वायु बता रहा था वायु के जो सात प्रकार थे सात गुण थे उन गुणों में जैसे अभ्यंग का बता दिया वृक्ष वृक्ष में आपको स्निग्ध काम लेना वहाँ तिल तेल काम लेना पड़ेगा बाह्य उपयोग है अथवा आभ्यंतर उपयोग है। उसमें बला तेल का बताया कि बला तेल एकदम ख्यातम वात व्याधि विनाशम पान अभ्यंग अंजन नस्य कर्ण पूर्ण बस्ती है वही बला तेल पान में काम आ रहा अभ्यंग में काम आ रहा कर्ण पूर्ण में काम आ रहा बस्ती में काम आ रहा ठीक है ना। तो वृक्ष की जगह स्निग्ध काम ले लिया लघु की जगह गुरु काम लेना वहाँ पर अपने बला अथवा उड़े दे मांस काम लेंगे शीत की जगह उसमें काम ले लेंगे खर की जगह श्लक्ष्म काम ले लेंगे जो तो उसका विरुद्ध गुण है वो अपने उसका उसमें काम लेंगे व्याधि का संबंध हो जाएगा। आदि क्या होता है कि सबको त्रिपला गूगल रसोन गूगल क्या ना मायुग्रह गूगल और गूगल हमेशा एक बार दी जाती है और भारत में 95% व्यक्ति गूगल दो बार लिखते हैं जिंदगी भर लिखे जाएंगे तो हाँ, हाँ, और जबकि सुश्रुत नोट कर लेना सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 5 में उसमें बिल्कुल साफ दिया है कि गूगल को प्रातः प्रातः निषेध प्रातःकाल ही सेवन करना चाहिए गूगल अथवा शिलाजीत का। और एक विषय और फिर अपन आगे बढ़ें अपने आप 95% वैद्य गलती ये करते हैं कि कब्ज की उदावरती गैस की आना आटो और विबंधी के पेश रोगी आते हैं मैं भी लिख दूँ आप भी लिख देंगे सब लिख देंगे सब त्रिपला चूर्ण पंचकार कायम चूर्ण वगैरह वगैरह शाम को 9 बजे खाना खाए 10 बजे खा लेंगे और अगले दिन पेट साफ हो गया वेदराज जी ने ऐसी दवाई लिख दी। परंतु आप देखो अपन जब पंचकर्म कराते हैं विरचन कर्म में उसमें बताया कि प्रातः प्रातः निशिवेत हरित की बताया जरना अंत्य अभियान एकम भोजन के जरन के बाद में हरित का सेवन करना चाहिए बात बहुत गंभीर भोजन का जब जरन होता है चार याम में अब कल मैं बता रहा था कि भोजन का जरन तो होता है चार याम में औसत का जरन होता है 2 याम में तो मान लो अपने रात को 8 बजे भोजन लिया तो सुबह प्रातः काल जब भोजन का पाचन हो चुका हो पर अग्नि की प्रवृत्ति नहीं हो तो काम की बात थी कि हमेशा विरेचक औषध भोजन के 6 घंटे बाद लेना चाहिए। और जो व्यक्ति अथवा चिकित्सक रोगी को त्रिफला पंचकार कायम चून वगैरह वगैरह खाना खाने बाद में देते हैं उनको 2 साल से 5 साल बाद में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है उसमें वैद्य अपराधी है क्या परोक्ष रूप से भगवान के अपने कष्ट भुगतना पड़ेगा कि अपन ने अपरोक्ष रूप से गलती की जो अपने ज्ञान का अभाव था। और उसका भी कारण बता दूँ क्यों कि बीपी क्यों हुआ अपन ने आहार सेवन किया आहार सेवन करने के बाद में जठरा आमाशय में गया जठराग्नि ने कार्य चालू किया परंतु क्योंकि पंचकार में सनाय था तो त्रिपला में हरित की थी हरित की ने सर्गुण के माध्यम से अनुलोमन चालू कर दिया जो आमाशय में 6 घंटे में भोजन का पाचन होना था उसके पहले ही उसने अपक्व अन्न को आमाशय बाहर धकेलना चालू कर दिया तो जठराग्नि के माध्यम से होना पाचन होना था जो रस धातु बनी रसाग्नि के माध्यम से पाचन होना था उत्तरोत्तर धातु का निर्माण होगा जब उत्तरोत्तर धातु में रस्व रस का किसके स्थान है रसमान नाम सोचते हैं हृदय मूल्य में रसमान में तो रस के हृदय का स्थान और जब रस धातु से रस का निर्माण ही नहीं होगा रसाग्नि माध्यम से पाचन नहीं होगा तो क्या होगा रस धातु क्षय के लक्षण बताया घटत है शब्द तो उस पेशेंट क्या रस्व सोते की दृष्टि कालांतर में पांडु धातु के निर्माण पांडु रस्व सोते की दृष्टि होगी ना हमेशा भोजन के 4.5 से 6 घंटे बाद तो प्रातः काल जो रोगी 5 साल से 10 साल से भी कोई त्रिपला या पंचकार रात को ले रहा है आपने एक बार सवेरे दिलवा दिया तो वो कहेगा समय तो 5 साल से जीवन फायदा करा था ले रहा था मेरा फायदा नहीं वाला आप ये खराब ठीक हो गया अच्छा अगली बार आना इसलिए विरेचक औषध हमेशा सवेरे अरे अगली बार टाइम रखेंगे फिर आए मिलेंगे अपन पत्ती का तो उसका तो कहते हैं रात में नेक्स्ट टाइम हमारे लिए रखना इसब गोल नहीं है और जिस नेता लोग भीड़ बढ़ाने के लिए आदमी इकट्ठी कर लेते हैं ना शुरुआत की थी चरक ऊपर की आप उसको आगे बढ़ाओ व्यक्ति ले आते हैं उसी प्रकार इसब गोल का कोई काम नहीं धक्का लगाने के लिए राष्ट्रीय मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इसलिए हम देखा कि पक्का बिल बिल के दो गुण पक्का बिल और कच्चा बिल है ना कच्चा बिल आम पाचक और मल स्तंभक होता परंतु पक्का बिल मेरे साथी हैं अतिसार डॉक्टर राहुल गुप्ता जी मल वृद्धि कर होता आओ चलाइए बोलो लो आप तो आपके दर्शन करना चाहते हैं सर जी क्या कर सकते हैं अपने अभी अध्ययन कर पाएगी सबके लिए बात के लिए जी अच्छा आ जाइए लो
ओहो सर नमस्ते नमस्ते विद्वानों को चरणों में साधन नमन। सर सर आप हमारे लिए बहुत बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके चरणों में नमन करता हूँ सर। बढ़िया है।